ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कोमल कोमल। हाँ माँ जी। नाश्ता तैयार हो गया? हाँ माँ जी। राज ने नहा लिया? हाँ माँ जी। ओम जय जगदीश हरे। रोहन को भी स्कूल भेजना है, वह क्या कर रहा है? रोहन नाश्ता कर रहा है माँ जी। माँ, कम से कम पूजा तो ध्यान से किया करो। ओम जय जगदीश हरे। कोमल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? पराठे में बिल्कुल नमक नहीं है। नमक ठीक तो है। अपनी गलती तो तुम कभी मानोगी नहीं। पापा, मुझे ना कल नया यूनिफॉर्म लेना है स्कूल के लिए। पापा, मेरे बात पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। अच्छा कोमल, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे नाश्ता तो कर लीजिए ठीक से। ऑफिस में कर लूंगा मैं। गाड़ी साफ कर दी? हाँ हो रहा है, हो गया बस। ये क्या है, क्या है ये? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है गाड़ी साफ करते वक्त? सॉरी सर, सॉरी सर। बाबू सिंह, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? आई एम सॉरी सर। तो ये थे मिस्टर ध्यान, जो चाहते थे हर इंसान अपना काम ध्यान से करे। बात भी सही है, ध्यान न होने के कारण हर रिश्ता उलझा हुआ है, हर इंसान टेंशन में है, सभी को कहीं ना कहीं जाने की जल्दी है। ना हम अपने वर्क से सेटिस्फाइड है, ना अपने रिश्तों से, ना अपने आप से, और इन सब के बीच हमारी खुशी तो कहीं गुम ही हो गई है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते पहले की तरह खूबसूरत हो जाएं और हम अपनी जिंदगी का हर पल खुशनुमा व्यतीत करें? अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। यूं तो कई प्रकार के मेडिटेशन हैं जो हमें अपने अंतर मन से जोड़ते हैं, परंतु राजयोग एक इस प्रकार का मेडिटेशन है जो कि ना हमें अपने अंतर मन से जोड़ता है, परंतु उस परमपिता परमात्मा से भी जोड़ता है जो इस सृष्टि का रचयिता है और सब मनुष्य आत्माओं का पिता भी है। तो आइए हम अपने आप को जानें, अपनी हर समस्या के समाधान को जानें, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानें, और सबसे महत्वपूर्ण उस परमपिता परमात्मा को जाने जिन्हें हम कई हजारों वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और ये केवल राजयोग द्वारा ही संभव है। राजयोग ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर बिल्कुल फ्री सिखाया जाता है, हर जाति हर संप्रदाय के लोग इसे सीख रहे हैं। तो क्यों ना हम भी किसी नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें और इस ध्यान का लुफ्त उठाएं।